सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हम वियतनाम इस बार गए थे। 24 मार्च से लेके 28 मार्च का हमारा वियतनाम का टूर था, उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए, उनके फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट देखने के लिए। यानी इंडिया के अंदर और वियतनाम के अंदर प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें जानने के लिए हम वियतनाम गए थे। हमने सोफरी भी विजिट किया और वहाँ एक हमारा मीटिंग भी था। एक ये फार्म का आप व्यू देख पा रहे हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था आपको, पूरा फार्म का टूर, कि कैसे इनकी वैरायटीज़ रहती है, कैसे इन लोगों की प्रैक्टिस रहती है। ये एक पूरा वीडियो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इनके फ्रूट में और हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है फ्रूट, उसमें कितना डिफरेंस है, देखिए कितना सुंदर फ्रूट है ये। ये सभी कंपेरिजन हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा एक्सपोर्ट यूनिट। हम वहाँ एक्सपोर्ट यूनिट में भी विजिट किया था हमने, उनकी पैकिंग कैसे रहती है, कैसे वो उस चीज़ को अच्छे से डेकोरेट करके एक्सपोर्ट करते हैं। एब्रॉड में भी काफ़ी फ्रूट जाते हैं, सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वियतनाम ड्रैगन फ्रूट के मामले में, तो वो किस हिसाब से मैनेज करते हैं, इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए ज़्यादा डिले न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए किसान मित्र यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। हम अपने होटल से निकल चुके थे एक्सपोर्ट यूनिट को एक्सप्लोर करने के लिए, साथ ही हमने उस दिन में फार्म भी विजिट किया था। रास्ते में आप देख पा रहे होंगे, जहाँ तक निगाह जा रही थी वो ड्रैगन फ्रूट के फार्म ही दिखाई दे रहे थे। और इसके बाद हम एक्सपोर्ट यूनिट में पहुँच चुके थे। ये एक एक्सपोर्ट यूनिट है, काफ़ी बड़ी एक्सपोर्ट यूनिट थी ये। हम यहाँ एंट्री की और हमारी टीम उस हमसे पहले आज जा चुकी थी अंदर में, क्योंकि हमारी 2 गाड़ियाँ थी, तो हम टोटल 12 मेंबर थे वहाँ पर, तो 1 गाड़ी हमारी उससे पहले आ चुकी थी। तो हमने यहाँ सबसे पहले फ्रूट टेस्ट किया, इनका फ्रूट कैसे रहता है। और जो ओनर थे एक्सपोर्ट यूनिट के, काफ़ी पोलाइट थे, उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया और काफ़ी अच्छे से हमने फ्रूट को यहाँ पे देखा और टेस्ट भी किया, और इसके बाद हमने रिव्यू भी लिया। बहुत स्वीट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लगभग टेस्ट सेम ही है, क्योंकि ये पूरा पका हुआ है। इंडिया में जो फ्रूट ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो थोड़ा कच्चा रहता है, तो टेस्ट वाइज उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। बाकी रिव्यू लेते हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर। ये बिल्कुल जैसे हम अपने यहाँ उगाते हैं इंडिया में, उतना ही मीठा है, उतना ही क्रंची है, उतना ही जूसी है, कोई डिफरेंस हमको समझ में नहीं आया। लेकिन जब एक तो नंबर चीज़ ये नंबर वन ये है कि जब वो इंडिया में जो फ्रूट जाता है वो यहाँ से रेड वैरायटी जाती नहीं है, वहाँ वाइट पल वैरायटी पहुँचती है। दूसरा, जब इंडिया में हम यही वैरायटी, मतलब इवन रेड पल भी वहाँ कहीं मिल जाता है या वाइट पल भी मिल जाता है, ये जो मीठा है और उसमें जो मीठे का अंतर है बहुत ज़्यादा है। इंडिया में हमको फ्रूट मिलता है वियतनाम से ही जाता है वहाँ पर, वो बिल्कुल फीका होता है। ये तो बिल्कुल जैसे हम इंडिया में उगा रहे हैं उतना ही मीठा है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। लेकिन जो इम्पोर्ट होके पहुंच रहा है वो पता नहीं क्यों फीका होता है, वो समझ में नहीं आया। वो हम लोग अभी इस टूर में कोशिश करेंगे, इंडिया जो जाता है वो फीका क्यों होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसका एक रीज़न शायद ये लगता है कि जो इंडिया भेजने के लिए लोग तोड़ते हैं प्लांट से, वो 10-12 दिन 15 दिन पहले तोड़ लेते हैं, मैच्योर होने से पहले तोड़ लेते हैं, इसलिए फीका पहुँचता है। तो यही सारे रीजन से ये हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफ्रेंसेस क्या हैं। इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, फूड साइज़ हमसे बेटर है, स्पाइक्स इनके पास ज़्यादा है, वो सब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अपने जो फार्म्स हैं उसमें भी इसको इंक्लूड करेंगे। चलिए अब एक्सपोर्ट यूनिट विजिट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी जो आप वैरायटीज़ देख रहे थे वो रेड पल्प थी। अभी जितने भी यहाँ पे फ्रूट हैं एट ए टाइम प्रेजेंट आप जो देख पा रहे हैं, ये सभी अंदर से लाल हैं, यानी रेड पल्प हैं अंदर से, और ये सब के सब यूरोप के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। हमने पूछा था इनको इंडिया के लिए, तो इंडिया का ऑर्डर आने पे ही इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो मोस्टली इसमें से वाइट पल्प के ही फ्रूट इंडिया के लिए जाते हैं। और यहाँ जो क्वालिटी ये मेंटेन कर रहे हैं, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं। कैसे ये वॉश करते हैं ये देखिए आप, ये पूरा वॉशिंग यूनिट है इनका। सबसे पहले जो फार्म से प्रोड्यूस आता है यहाँ पर, यानी ड्रैगन फ्रूट आते हैं इनके पास में, ये इन कैरेटों के माध्यम से आते हैं और यहाँ इन्हें ये वॉश कर लेते हैं। यहाँ पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर ठंडा पानी नहीं है ये ऑलरेडी थोड़ा हॉट वाटर है, ज़्यादा भी हॉट नहीं है, तो इनका जो स्टैंडर्ड रहता है उस हिसाब से ये मैनेज कर रहे हैं। हाई प्रेशर यहाँ पे पाइप्स आप देख पा रहे हैं,
ये इसको बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं, यानी वॉश कर लेते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर ना हो या फिर इस तरह से कोई स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये केमिकल स्प्रे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस तरह से उसको पूरा क्लीन कर लिया जाता है ताकि इसका कोई कंपोनेंट इस फ्रूट के ऊपर ना रहे या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इसको हार्म ना पहुँचे। यहाँ पर सफाई होने के बाद में जो कचरा रहता है फ्रूट से जो निकलता है वो इस तरह से स्टोर हो जाता है यहाँ पर। थोड़ा आगे चलने पर यहाँ ग्रेडिंग हो रहा है, जिस फ्रूट के ऊपर में हल्का फुल्का दाग धब्बा है या फिर जो इनके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता वो इसे यहाँ निकाल के एक साइड में कर रहे हैं, और इसके बाद में ये कन्वेयर के माध्यम से ये बेल्ट चलता रहता है। और यहाँ पे वर्कर्स आप देख पा रहे हैं ये पैकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल हर फ्रूट को एक अलग से पैकिंग में डाला जाता है। फ्रूट की क्वालिटी भी आप देख पा रहे हैं वॉशिंग करने से कितना क्लीन हो गया फ्रूट, और ये ड्राई ऑफ भी साथ साथ ही हो रहा है, यानी गीला फ्रूट नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से ये पैकिंग करते हैं, अपना लेबल लगाते हैं और फिर आगे बॉक्स की तरफ में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे फिर इसके बाद में बॉक्स में इनको पैकिंग किया जाता है। अभी फ़िलहाल ग्रेडिंग का इनका काम चल रहा है। यहाँ पे वर्कर भी ये समझ के चलिए, अगर फार्मिंग की बात की जाए तो 70% के आसपास में वियतनाम के अंदर में ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग पे ही मोस्टली लोग डिपेंड रहते हैं। बाकी भी क्रॉप उगाते हैं लेकिन इसमें ज़्यादातर ये ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग ही करते हैं, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है बाहर विदेशों में। कन्वेयर से आगे में जाने के बाद में यहाँ से फिर इनको पैकिंग जो होती है पोलोथीन में जो पैक हो जाता है इसको ये आगे में शिफ्ट कर देते हैं, यानी एक सिस्टम से दूसरे डिपार्टमेंट तक ये पहुँचता रहता है। पहला वॉशिंग का रहेगा, फिर उसके बाद पैकिंग का रहेगा, यानी पोलोथीन से इसको रैपिंग कर दिया जाता है, पैक कर लेते हैं इंडिविजुअल फ्रूट को। उसके बाद में यहाँ पर वेटिंग होता है, यानी वेट किया जाता है इसका वेट स्केल के माध्यम से, पर बॉक्स के हिसाब से इसको ग्रेडिंग के हिसाब से इसको वेट कर लिया जाता है, यानी एक बॉक्स के अंदर कितना आना चाहिए फ्रूट उस हिसाब से इसको ये बॉक्स के अंदर पैक करते हैं। ग्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद में यहाँ फाइनल पैकिंग की तरफ ये लोग आ जाते हैं। यहाँ लेयर वाइज लेयर ये फ्रूट को लगा देते हैं, ये 3 से 4 लेयर के माध्यम से इसको बॉक्स के अंदर पैक कर देते हैं। बॉक्स का हमने डायमेंशन भी लिया, साइज़ भी लिया, और ये 5 लेयर कोरोगेटेड बॉक्स है, बाहर से इन्होंने प्रिंटिंग करवाई है अपना लेबल और अपना ब्रांड इसके ऊपर में छपवाया हुआ है, जैसे कि आपने हमारा चैनल पे वीडियोस में देखा होगा जैसे हमने खुद पैकिंग करवाया था। लेकिन ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, करीबन 15 kg के आसपास में इसके अंदर फ्रूट जा रहा है। इंडिया के अंदर जो फ्रूट आता है वो 10 kg की पैकिंग रहती है, लेकिन ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये 14 से 15 किलो की पैकिंग के हिसाब से यहाँ पैक करके इसको भेज रहे हैं। एज इट इज़ आपको पूरा कॉन्टेंट दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये लोग पूरा अपना एक्सपोर्ट यूनिट में मैनेज करते हैं किस हिसाब से, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं रहती है। हम बिल्कुल भी इस तरह से ग्रेडिंग नहीं करते हैं, ना ही वॉशिंग करते हैं ढंग से, ना ही इनको पैकिंग करते हैं, तो यहाँ भी हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं इन लोगों से। ये काफ़ी लंबे समय से इसको कर रहे हैं तो हम में और इनमें थोड़ा अंतर आ जाता है। जैसे ही समय बीतेगा हम भी इस स्टैंडर्ड को धीरे धीरे अपने इम्प्लीमेंट करना चालू कर देंगे। यहाँ फाइनल पैकिंग पर आ जाते हैं, ये इसको रैपिंग कर दिया जाता है ये स्ट्रिप के माध्यम से, और ये फिर कंटेनर में लोड होके बाहर विदेशों में जाने के लिए तैयार रहता है। तो अभी आप पूरा वीडियो देखिए, मैं इसमें ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगा। अंत में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं तो इस तरह के स्टैंडर्ड को हमको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर हम इन स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन लोगों से पीछे छूट जाएंगे, और ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग काफ़ी एक्सपेंसिव फार्मिंग है और सभी लोग इस पे आस लगाए बैठे हैं कि हमें इससे 2 पैसे की अच्छी इनकम होगी। तो अगर हमें अच्छी इनकम करनी है और 2 पैसे इससे अच्छे कमाने हैं, और किसान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग से उसका थोड़ा ये समझ के चलिए कि उसका थोड़ा भविष्य सुधर सकता है, यानी वो एक अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार सकता है, तो इन प्रैक्टिस को हमको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। देर ना सवेर हमें इनके लेवल को और स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बिना और टायर के इतना अच्छा कैनोपी कैसे मैनेज कर लेते हैं, यहाँ ये कोस्ट कटिंग भी करते हैं, और इतने अच्छे से कैसे ये मैनेज करते हैं, कितने टाइम के बाद इसको मोल्ड करते हैं यानी बैंड करते हैं लीफ को, ये पूरी डिटेल में आपको आगे आने वाली वीडियो में हम समझाएँगे।